Let me take you to the city where death is celebrated. A city where tradition and culture is older than the history. A city which gives you the chance to meet the real yourself. A city which shows you the real meaning and essence of life. Today, I'm gonna take you to the oldest traditional city of India, Kashi, Varanasi, Banaras. भैया हमें लगता है कि पिछले जन्म में हमारे और बनारस शहर के बीच जरूर ही कोई गहरा संबंध रहा होगा, वरना यूं ही नियति हमें बार बार इस शहर को करीब से जानने का, समझने का और सबसे बड़ी बात बनारस में होने का मौका नहीं देती। और जब नियति हमें इतना बढ़िया मौका दे रही है तो हम भी भला पीछे हटने वालों में से कहाँ रहने वाले। तो बस जब भी जी करता है झोला उठा के चले आते हैं शहर बनारस का लुत्फ उठाने और बनारस में होने। इस बार हमारे बनारस के यात्रा की शुरुआत हुई सुबह बनारस के मनोरम पलों को बोट राइड के जरिए आनंद लेते हुए। मतलब यहाँ का वासी होना कैसा लगता है? हमको बहुत अच्छा लगता है, उनका बाबा विश्वनाथ का कृपा है कि हमें, हमारे बुजुर्गों लोगों का कृपा है कि यहाँ पर हम जन्म लिए हैं। बोट राइड करते हुए सुबह सुबह साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाना एक अलग ही स्तर का सुकून का एहसास देता है और उस सुकून के एहसास को उस वक्त हम जी रहे थे। करीब एक घंटे के बोट राइड के बाद अब हमें सुबह बनारस के दौरान किए जाने वाला सबसे खूबसूरत कार्य घाट वॉक किया। घाट वॉक करते हुए हमें भारतीय संस्कृति को दर्शाते हुए अनुपम नज़ारे दिखे और साथ ही साथ ऐसे मंत्रमुग्ध करने वाले मनोभावन विजुअल्स भी दिखे जिसे कैमरे में कैद करने में हमने जरा भी कोताही नहीं बरती। घाट वॉक करते करते थोड़ी थकान की अनुभूति हुई तो मन में विचार पनपा कि क्यों ना कचौड़ी गली जो यहाँ की बहुत ही फेमस है वहाँ से कचौड़ी ला के घाटों पे उसका स्वाद का आनंद लिया जाए। अब विचार पनप ही गया है तो उसे हकीकत में तब्दील करने की जिम्मेदारी लेते हुए झटपट ही कचौड़ी गली जाकर मैंने कचौड़ी लाया। ये भाई साहब केरला से हैं, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन वाराणसी? पहले टेल मी अबाउट समथिंग। एक्सपीरियंस तो बोल नहीं सकते ना, इतना पॉजिटिव एनर्जी देते हैं इधर। अच्छा, और घूम घूम के पूरा मज़ा आता है। बस अब हम लोग घाट पे ये कचौड़ी और सब्जी का लुत्फ उठा रहे हैं। फेमस कचौड़ी गली की कचौड़ी है, बहुत बढ़िया सब्जी भी पनीर वाला। पेट पूजा के बाद अब हमने बनारस की गलियों की ओर रुख किया। वैसे तो बनारस का हर खंड अपने आप में खूबसूरती सजोए हुए है पर वहाँ की तंग संकरी गलियों की भौकाल और चहल पहल अलग ही स्तर का रोमांच पैदा करती है। गलियों से होते हुए बाबा विश्वनाथ टेंपल पहुँच बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया और फिर पहुँचे बनारस में अपने सबसे पसंदीदा स्थान जहाँ सुकून और सत्य बसता है, मणिकर्णिका घाट। वहाँ की आबो हवा आपको एक अलग प्रकार की अनुभव देगी, एक ऐसा अनुभव जिससे आप अपने शरीर और उसके अस्तित्व को समझोगे, जीवन के मर्म और मृत्यु की अटल सत्यता को आप एहसास कर पाओगे वहाँ। वैसे शाम हो चुकी थी और उस दिन देव दीपावली भी थी और देव दीपावली बनारस का सबसे बड़ा त्यौहार भी है, सो बोट राइड के जरिए हमने देव दीपावली का लुत्फ उठाना शुरू किया। सिर्फ घाट ही नहीं बल्कि पूरे शहर को दीपों और लाइट्स से दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। नज़ारे ऐसे मानो स्वर्ग का प्रत्यक्ष ही दीदार हो रहा हो धरा पर। देव दीपावली का लुत्फ उठाते हुए इस तरह से समाप्त हुई हमारे बनारस की एक दिवसीय यात्रा। वैसे तो जी नहीं कर रहा था कि शहर बनारस को अलविदा कहा जाए पर समय की व्यवस्था ही ऐसी थी कि अलविदा कहना पड़ा और इस आशा के साथ हमने विदा लिया कि जल्द ही दोबारा भविष्य में इस शहर से हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।